बागली स्थित कृषि उपज मंडी में आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा वनाधिकारी पट्टा वितरण कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से स्कूली शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार शामिल हुए। उनके साथ बागली विधायक पहाड़ सिंह कन्नौजे, देवास जिला कलेक्टर चंद्रमुली शुक्ला, बागली अनुविभागीय अधिकारी अरविंद्र चौहान उपस्थित थे। परमार ने मध्य प्रदेश शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारियां दी। कार्यक्रम में हितग्राहियों को वनाधिकारी पट्टे वितरित किए। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि लंबे समय से छूटे हुए पट्टे वालों को वनाधिकार दिलाया गया, साथ ही पूरे मध्य प्रदेश में 20,000 पट्टे मध्य प्रदेश सरकार की ओर से वितरित किए गए। जिन लोगों का नाम अभी भी नहीं जुड़ पाया है, ऐसे लोगों की जांच कराकर उन्हें भी पट्टे दिलाए जाएंगे। आज का जो वनाधिकार पट्टों का जो कार्यक्रम था, पूरे मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा ऐसा वर्ग था जिसके पट्टे छूट रहे थे। अब तो लंबे समय से उन पर काबिज थे, आज नए वो काबिज नहीं हो रहे हैं, पहले से काबिज थे, लेकिन उनको खेती करने में जो ऋण की दिक्कत थी, खाद की, बीज की परेशानियाँ थी, और उनको किसी प्रकार का वो अधिकार नहीं था, तो वो सारी सुविधा ऐसे हमारे आदेश बंधु को मिलने लग जाएगी। पूरे मध्य प्रदेश में 20,000 से अधिक लोगों को आज वनाधिकार के पट्टे दिए गए। आज गरीब कल्याण पखवाड़े के अंतर्गत आज वनाधिकार उत्सव जो है आयोजित किया गया। वनाधिकार उत्सव जिला स्तरीय उत्सव के तहत जिला स्तरीय शिविर बागली में आज आयोजित था। इसके तहत लगभग 300 वनाधिकार दावों को ये पट्टे आज हितग्राहियों को प्रदान किए गए। लगभग अभी 600-700 दावे जो हैं विचाराधीन हैं, जो कि अतिशीघ्र स्वीकृत होकर आ जाएंगे और उनको ग्राम पंचायत में जाके वितरण का कार्यक्रम किया जाएगा।